एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां तीसरे टेस्ट के लिए इंदौर पहुंच गई है भारतीय टीम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर जहां तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है और 1 मार्च से 5 मार्च तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है, विराट कोहली सहित सभी खिलाड़ी स्टेडियम में है मौजूद। 1 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का आगाज इंदौर में होने जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय टीम आज इंदौर पहुंच चुकी है। भारतीय टीम इस वक्त स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हुई और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है और 1 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट इंदौर में खेला जाना है, जिसको लेकर आइए आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर स्टेडियम, जहां हमारे संवाददाता हेमंत नागले हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। हेमंत, तीसरा टेस्ट होने वाला है 1 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या पूरी जानकारी है? यहाँ पे विरोध विराट कोहली के साथ अन्य खिलाड़ी है और यह अपने ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम को बाहर आकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिच का मिजाज यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मौसम होगा इंदौर का मौसम कुछ गर्म सा हो गया है। बात की जाए अगर स्टेडियम की, तो स्टेडियम में सभी खिलाड़ी मौजूद है, देर रात यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को आप चुके थे, सब अलग अलग कनेक्टिविटी फ्लाइट से आए थे और बात की जाए यदि विराट कोहली अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे थे, एक और बार फिर देख दिखाना चाहूंगा, जो कि स्टेडियम में जितने भी खिलाड़ी है कुछ दूसरी तरफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तकरीबन 4 यहाँ पर प्रैक्टिस फीस बनाई गई है, 4 प्रैक्टिस फीस बनाई गई है। यहाँ जो दर्शक दुर्गा है, यहाँ दर्शक दुर्गा भी लगभग 30,000 के करीब की दर्शक दुर्गा है, जहाँ पर यह सभी खिलाड़ी बहुत दर्शक जो आते थे। और बात की जाए इंदौर पिच, इंदौर पिच का मिजाज बहुत अलग है और इंदौर पिच को खेला हुआ हर मैच जो है वह भाषा की ही अनुभव मिलती है। और बात की जाए अगर यहाँ दर्शकों की, तो दर्शकों का उत्साह देखते ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर खेला हुआ मैच कभी आए नहीं। बात की बात करने के बाद इंडिया 2 मैच हार चुका है और भारत को वही 2-0 के बढ़त बनाए हुए हैं, तो किस प्रकार की तैयारियां हैं और दर्शकों में किस प्रकार का रुझान है मैच को लेकर, क्योंकि बहुत कम दिनों का समय बचा हुआ है, किस प्रकार का रुझान है दर्शकों में, क्या देखा जा रहा है? जी देखिए, अभी स्टेडियम के अंदर ही तो कोई दर्शक को अभी देखिए प्रैक्टिस है, तो इस कारण किसी दर्शक को अंदर तो नहीं आने दिया है, तो मामलों की इंट्री है, क्योंकि यहाँ पर अभी दर्शक अंदर नहीं। लेकिन जो बात की जाए फैंस की, तो फैंस में काफी उत्साह, पांचों दिन एक साथ जो क्रिकेट है वह 5 दिन के लिए एक साथ ही उठी गई है। एनपीसी द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दर्शकों का यही कहना है कि अपने अपने जो फेवरेट खिलाड़ी है उसे देखने यहाँ पर वह आएंगे और उन्हीं के साथ यह मैच देखेंगे अपने परिवार के साथ। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पूरा एक दिन या फिर 90 ओवर का जो मैच होता है ये तो पूरा चलता है, तो शायद तक भारत उसे 3.5 दिन में कुछ कम कर दे। लेकिन अगर बात की जाए पिच की, तो पिच का मिजाज भी देखना होगा किस तरह से, स्पिनर काफी पिच यहाँ पर जो है स्पिनर काफी। जी हेमंत जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हेमंत आपका। तो बड़ी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है और 1 मार्च को भारत का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है।